हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये शॉप देख रहे हैं, मैं इसी शॉप पे काम करता हूँ और मैं बैठता हूँ यहाँ ऊपर। वो देख रहे हैं आप सीढ़ियाँ, वो ऊपर जाने के लिए। आज मैं वापस फिर करोल बाग जा रहा था, क्योंकि मैं जो SMD यूज़ करता था, 850 AD SMD यूज़ करता था, और काफ़ी भाइयों की दिक्कत आती थी उसमें कि रेट का काफ़ी फ़र्क पड़ता था। तो इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट करने के साथ साथ पता चला मुझे कि मार्केट में एक SMD उन्होंने नई लॉन्च करी है, जो कि मुझे भी नहीं पता अभी उसका मॉडल वगैरह क्या है। बाकी मैं आज उसी को लेने जा रहा हूँ आपके लिए, आपको वो दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं आज आपको एक इन्फो लेके चल रहा हूँ, तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपको मार्केट भी दिखाऊंगा पूरी के मार्केट कौन सी है, इसी तरह आप बने रहे। 2:45 का और ये जो पीछे से आप रास्ता देख रहे हैं, ये करोल बाग जो थाना है उस तरफ से आता है, और ये MCD मार्केट, और ये जो आप इधर रास्ता देख रहे हैं, ये करोल बाग रेलवे स्टेशन की तरफ से आता है। जो मैं आज आपको AK इन्फो लेकर जा रहा हूँ वो इधर ही पड़ता है AK इन्फो, जहाँ पर मुझे वो SMD लेनी है। वो SMD मैं बताता हूँ कि किस टाइप की होगी और कैसी होगी, मैंने भी नहीं देखा, मेरे पास उनका कॉल आया था। चलिए आगे शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरफ से अगर आप आएंगे तो करोल बाग होगा ये, और इस तरफ से अगर आप आते हैं तो थाने की साइड होगी। आपको लोकेशन में बता देता हूँ, आप करोल बाग की करोल बाग मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको सिर्फ लेफ्ट साइड हो जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सड़क क्रॉस करके लेफ्ट साइड अंदर गली में जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, AK इन्फो के साथ साथ ये फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ियाँ जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये AK इन्फो ऑफिस, फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं। माय कमिंग सर। हाँ सर, आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो यही सर हैं जो जिनसे मैं लेने के लिए आया हूँ। ये केशव जी हैं सर। आप हेलो समीर जी। हेलो समीर जी। हेलो सर। अचानक सर, अचानक से ही धप्पा देना चाहिए। फ्रेंड चलिए, जो मैं प्रोडक्ट लेने चाहता हूँ मैं वो लेने के लिए आ गया हूँ। अब लेने के बाद मैं जो उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दिख रहा हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं AK इन्फो के ऑफिस में दिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं आया हूँ एक SMD लेने के लिए। जो ये सर हैं हमारे, ये हमें एक SMD सर देने वाले हैं, और ये हैं रंजन सर। रंजन सर हमें बताएंगे कि मुझे ये कौन सी SMD देने वाले हैं इन्होंने, क्योंकि एक नई SMD AK इन्फो ने नई लॉन्च करी है। सर मुझे SMD के बारे में कुछ बताइए, और कुछ उसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट और भी आपकी कंपनी ने लॉन्च किया तो प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। जी समीर जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। आए दिन जैसे कि आपने देखा है कि अभी लगातार SMD में बदलाव और टेक्नोलॉजी में बदलाव आती रही है। और लास्ट टाइम जो हमने अपडेट किया था, जिसमें आपने बाबा 850 AD मॉडल का देखा था, मार्केट में उसका काफी क्रेज भी है और डिमांड भी है। हाँ जी, बट कुछ वजह ऐसी हुई जिसके वजह से हमें उस SMD को मॉडिफाई करना पड़ा, चूंकि उसकी जो कॉपी राइट है मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कस्टमर तो 850 AD को समझते हैं बट क्वालिटी बेस पर बाकी ब्रांड को नहीं समझ पाते हैं। इसके वजह से वो सामान तो खरीदते हैं बट उनको कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए उस चीज का किसी को ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका कॉपी पैटर्न हो, हाँ, तो वो ओरिजिनल जैसा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो सेम ये वजह रही जिसके वजह से हमने उस चीज को बंद किया और उसके जगह पर कुछ अपडेट ला करके दिया है मार्केट को, ताकि जो आदमी या फिर जो पर्सन या जो टेक्नीशियन जो जिस चीज के लिए उस चीज को खरीद रहे हैं, पर्टिकुलर डिवाइस को खरीद रहे हैं, वहां पर वो परफेक्ट तरीके से काम करें। और जैसे आपने कहा है SMD, तो मैंने एक SMD अभी लॉन्च करवाया है जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, बाबा K3 करके मॉडल है समीर जी। जी चलिए आपके सामने इसकी अनपैकिंग कर देते हैं। पहला पैक है जो आपके साथ ही खुल रहा है। ठीक है सर,
तो ये रहा असेंबली आपका, इसमें काफी चीजें हैं जो पिछले असेंबली से जो लास्ट असेंबली रहा है उसके अलावा अपडेटेड है, कुछ चीजें कॉमन भी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं असेंबली है कंप्लीटली, इसके साथ नॉर्मल ये रहा और नोजल रहा, इसमें चार नोजल है साथ में और पावर केबल। तो चलिए इसको चला करके चेक कर लिया जाए कि क्या है नहीं है। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं एसएमडी ये देखने में कुछ लगभग इस टाइप की लगती है। जैसे कि आप देख रहे थे पिछली एसएमडी में ये बटन भी था ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के लिए, मगर मैं उसको देखते हुए इसको देख रहा हूँ उसके अंदर एक बटन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। सर एक ये नई चीज मुझे दिख रही है, अभी तक मैंने किसी एसएमडी में देखी नहीं है। बिल्कुल समीर जी, बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आप ये दो चीज देख रहे हैं, एक रियल टेम्परेचर। आप अक्सर एसएमडी में देखते हैं कि आपने काम स्टार्ट किया, टेम्परेचर एक्टिव हो गई, नॉर्मल यहाँ पर टेम्परेचर लेवल आपको शो करने लगता है, बट उसमें एक्चुअल टेम्परेचर अभी क्या है उस चीज को हम नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या है कि आप काम करते हो, अगर ये पता करना चाहें कि आपके एसएमडी में एक्चुअल टेम्परेचर क्या आ रहा है जी, तो आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, एक्चुअल टेम्परेचर लेवल आपको दिखाई देगा, बाकी वर्किंग टेम्परेचर कुछ और आपको शो होता रहता है। ये बटन तो उसके लिए हो गया जी। नंबर टू, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इसमें एक बॉल है, जो भी ऑन करेंगे आपको पता चलेगा ठीक है। एयर की जो कंट्रोल लेवल होती है एयर की, यहाँ पर एयर कंट्रोल लेवल के अकॉर्डिंग इसकी बॉल अप डाउन होती है। अच्छा, ये जैसे कि काफी कस्टमर बोलते हैं हमारे पार्ट जल जाते हैं प्लास्टिक पार्ट, तो इससे हमें एक बेनिफिट मिल सकता है कि हमें पता चलेगा हमारी एयर कितनी एसएमडी दे रही है हमें। जी बिल्कुल वहीं पर आना चाहूंगा सर। जैसे कि आपने देखा था कि लास्ट एसएमडी जो थी हमारी लॉन्च की गई थी और आप भी उस एसएमडी को खरीद के ले गए हैं, काम आप भी किए हैं, अच्छी चल रही है सर। तो यहाँ पर क्या था कि उन कुछ लोगों का कहना था कि इसमें एयर ज्यादा हो रहा है तो किसी में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ऐसा एक्चुअल उसमें था नहीं। इसकी जो कॉपी मार्केट आई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था ठीक है, कुछ लोग 850 एडी का कॉपी बना करके बेच रहे थे जिसका वजह से ये हुआ था, तो इस बार हमने पूरी पैटर्न ही चेंज कर दी। आप इसमें ये भी पता कर सकते हैं एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, जिसके पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो प्लास्टिक के पार्ट्स या कनेक्टर्स जो गलते थे उसमें गलने की वजह क्या थी। तो एक तो यहाँ पर इससे ये पता कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता था कि कुछ छोटे कंपोनेंट्स जो ज्यादा एयर के वजह से उड़ जाते थे, साइड से हट जाते थे, तो इसमें उस चीज को भी कंट्रोल करने की जो है एक लेवल दिया हुआ है जिसको आप चेक कर सकते हैं कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो एक बार इसको ऑन करके देखना चाहेंगे। हाँ सर क्यों नहीं। और सर मैं जैसे पीछे भी देख रहा हूँ, जैसे हमारी एक पहले वाली एसएमडी थी उसमें अलग से ये कॉर्ड नहीं था, उसके अंदर इनबिल्ट एक केबल लगी हुई आती थी, तो इसके अंदर हमारी अलग से केबल। हाँ अच्छा। सर यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसको ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्ट में जाने की वजह से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के ऑलमोस्ट स्टेट में छोटे बड़े हर जगह ऊपर गया है, जिसमें क्या होता है कई बार ट्रांसपोर्ट में जाने की वजह से कई बार पावर केबल डैमेज हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो जाता था, तो इस चीज को अलग कर दिया गया। इसमें वजह ये रही कि अगर कभी बाय द वे ये डैमेज हो भी जाता है, हालांकि पैकिंग तो सही रहती है, अच्छा पैकिंग रहता है, इसके लिए डैमेज नहीं होता है, बट बाय द वे अगर डैमेज हो गया तो इसमें एक्स्ट्रा पावर केबल लगा करके इस पर काम कर सकते हैं, खास करके इस चीज के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये चीज दबने की वजह से टूटती थी, ऐसा होता था। चलिए फ्रेंड्स हम इसी तरह वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको इसके फीचर देखते हैं आगे इसको ऑन करके। जी बिल्कुल। इसमें एक मैन और ऑटो बटन है, देख रहे हैं जैसे मैनुअल करने के लिए इसको आप ऊपर कर सकते हैं, ऑटो करने के लिए इसको आप नीचे करेंगे यहाँ पर जी। अब यहाँ पर आप एयर लेवल को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये छोटा सा एक बॉल नजर आ रहा होगा सर, इस लिक्विड के अंदर देख रहे हैं जी। जैसे जैसे आपकी एयर बढ़ती चली जा रही है ये बॉल का लेवल ऊपर हो रहा है, जैसे ये घटेगी इसको डाउन कीजिएगा ये बॉल आपको नीचे की तरफ नजर आएगा, देख रहे हैं। इसे आप एयर कंट्रोल की लेवल समझ सकते हैं कि क्या एयर है नहीं है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर टेम्परेचर के लिए इसको आप बढ़ा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर लेवल बढ़ रहा है ठीक है। नंबर टू, अगर आपको इसमें रियल टेम्परेचर देखना होगा तो इस बटन को सिंपल नीचे की तरफ पुश कर देना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 99 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर लेवल क्या सेट है इसमें 305 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप रियल टेम्परेचर लेवल को भी चेक कर सकते हैं इस तरह से, जो कि हमारी पहले वाली एसएमडी में ऐसा कुछ था नहीं, ये अपग्रेड ही नहीं मिला, ये काफी अपडेटेड रहा है उससे। ये सब जानते हुए आखिर मुझे अब इसका प्राइस भी बताइए थोड़ा। जी सर बताना चाहेंगे, आज का लॉन्चिंग है इसका और बता दूं इसका जो फाइनल प्राइस है 4200 रखा गया है। जो हमारे स्टार्टिंग के प्रीमियम कस्टमर होंगे उनको इसके साथ कोरियर चार्ज यानी कि डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा, तो 4200 का इसका कंप्लीट प्राइस रहेगा, जिसमें उनके मतलब ये एसएमडी उनको अपने घर तक मिल जाएगा। हालांकि आज तो ये काउंटर से लॉन्च हुआ है, 4200 का रहा है 4200 रुपये। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी स्मार्ट से एसएमडी है, फीचर भी आप देख रहे हैं कि फीचर जो इसके अंदर है ये नॉर्मली आपको मार्केट में अभी नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात ये जो कॉपी करना चाहता है इसकी वो जल्दी से इसको अभी फिलहाल कॉपी नहीं कर पाएगा, आने वाले टाइम में कोई कुछ नहीं कह सकते। बाकी चलिए एक प्रोडक्ट जो आपने और लॉन्च किया है जी जो वो मैं देखना चाहता हूँ सर वो भी। जी सर बिल्कुल, आपको हम दिखाते हैं। चलिए इस असेंबली के बारे में तो आपने पूछा, हो गया क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रोडक्ट जो है, जैसे कि हम लोग अभी तक जानते आए हैं मार्केट में
बाबा 2100, बाबा 2100 की जहाँ तक बात करी हमने, अभी तक मार्केट में रहा है और लगभग हमारे कस्टमर व्यूवर जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, सर मैं भी यही चलाता हूँ जी, तो उन सब वो सभी लोग इससे वाकिफ हैं। बट बहुत सारी चीज ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लो बजट के हैं, जो हाई बजट पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्शन लॉन्च किया है जो बाबा 2100 मिनी के नाम से मार्केट में आया है। अच्छा, तो समीर जी हम चाहेंगे कि आप उस पैकेट का अनबॉक्सिंग आप खुद ही करें और अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको तमाम जो भी उसकी डिटेल है, जो भी फीचर है, उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो तमाम चीज आप अपने सभी व्यूवर को खुद से ही दिखाएं। और आप अगर इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं, तो हमारा जो कहते हैं क्या कहते हैं एक वो होगा, अपडेट होगा आपकी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से। सर क्यों नहीं सर, क्योंकि मेरे पास भी काफी कमेंट आते थे, जो व्यूअर मेरे को कमेंट करते थे, सर कोई बजट मशीन हमें बता दीजिए जी, और जो कि क्वालिटी में अच्छी हो। मगर क्वालिटी क्या, मैं आज इसकी सिर्फ अनबॉक्सिंग करूंगा मशीन की, बाकी इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आगे कल एक वीडियो और बनाऊंगा नेक्स्ट, उसमें मैं आपको उसके पूरे फीचर दिखाऊंगा, उसके साथ क्या वारंटी आती है, कितने की वो मशीन होगी, उसके साथ कोई मोल्ड आता है या नहीं आता, वो सारी चीजें मैं आपको कल वापस दोबारा से खोलूंगा। बाकी मैं आज सिर्फ इतना कि मैं आज उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको मैं सिर्फ वो दिखाना चाहता हूँ कि वो मशीन किस तरह की होती है। जी जी बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आगे। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने एक मशीन रखी हुई है जो कि बाबा 2100 मिनी के नाम से आई है। ये मैं आज अपने हाथ से इसको ओपन करने जा रहा हूँ। चलिए अब ज्यादा कष्ट सबको मत करने दीजिए, यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए आप। समझ लीजिए यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आप सभी लोगों के प्यार का जो है ये एक नया अपडेट है, आप लोगों के विश्वास का, आप लोगों के सजेशन का। मैं खुद चाहता था इसका कोई अपडेट आए, क्योंकि मार्केट में मैंने देखा है कि काफी लोगों ने 2100 का भी अपडेट मतलब कॉपी बना रखा है। जी 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 सही कहा आपने, बहुत सारे जगहों पर मुझे भी कस्टमर से सुनने को मिला है कि 2100 का जो मशीन है उसका प्राइस या फिर क्वालिटी या जो भी कुछ देखते हैं, क्योंकि इस 2100 को तो लगभग लोगों ने यूज किया सर, आप भी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी मशीन है सर, वन क्लिक में काम करती है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है उसके अंदर एक मिनट में एक LCD तैयार कर देती है। बिल्कुल, उसके अंदर कोई टाइमिंग नहीं कि OCA के लिए कोई सिर्फ एक बटन दिया है, अगर हम राइट साइड घुमाते हैं तो वो OCA की सेटिंग ले लेता है, जो कि हम YMJ मशीन यूज करते हैं जो कि हमारी नंबर वन मशीन कहलाई जाती है एक तरीके से, ये वो भी इतना इसको बार बार हमें घुमाना पड़ेगा। समीर जी यहाँ से आप देखिए आप क्या है, आप ही हमें भी दिखाए क्योंकि हमने भी अभी तक नहीं दिखाया सर। राम सर प्लास्टिक को पकड़िए, काफी मजबूती है सर, पैकिंग भी मस्त है, पैकिंग भी काफी मजबूती के साथ किया गया है। बस एक मिनट सर लग जाएगी थोड़ी सी। इसकी पैकिंग कैसी लगी आपसे? पैकिंग बहुत अच्छी है, अगर ये कहीं अगर हम उसको कोरियर भी करते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह में तो मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर देखिए बात अब आपके सामने है, फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन हमारे लगभग ये सामने रखी हुई है और मशीन के अंदर काफी अच्छे फीचर है, क्वालिटी भी अच्छी है और आप देख ही रहे हैं बबल रिमूवर भी साथ में इसी में दिया गया है, और बबल रिमूवर भी वो बबल रिमूवर है इसके अंदर जो कि काफी बोलते हैं कि ये बबल रिमूवर फट नहीं सकता, इसके अंदर वही बबल रिमूवर यूज किया है जो कि फट नहीं सकता, और यहाँ पर LCD इसमें पंच होती है इस वाले भाग में, और LCD पंच होने के साथ सर इसके अंदर और क्या फीचर है क्या नहीं है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ कोई बेस मोल्ड आता है या कोई डाई एक्स्ट्रा आती है कोई या वारंटी जो भी होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम सर।